सबसे खुश पक्षी। एक कौवा जंगल में रहता था, उसे कोई भी कष्ट नहीं था, वो अपने जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वो एक सरोवर के किनारे जा पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वो ये सोचने लगा, ये हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस जरूर ही इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वो हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे कह दी। ये सुनकर हंस बोला, नहीं दोस्त, हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी यही सोचा करता था, मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की सारी बातें सुनकर कौवा तोते के पास गया और उसे पूछा, क्या वो दुनिया का सबसे खुश पक्षी है? तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुश जिंदगी जी रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर ही सुंदर है, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, इसीलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वो एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, है ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। मोर ने कहा, दोस्त, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर बेकार ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं, हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसीलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना है चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वो तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। धन्यवाद।